डरना मत आप बिल्कुल भी, है ना? ठीक है भाई, भाई ज्यादा जाने आगे से रिक्स नहीं हो जाए। देखो हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में क्या हुआ है हमें सारा पता है, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो। भाई रो रहे यार वो तो, भाई कैप्चर करने इनको अच्छे से। दोस्तों आपके बार बार यही कमेंट आते रहते हैं कि आप मतलब कैप्चर अच्छे से नहीं करते, वो नहीं करते। दोस्तों कैमरा हिर जाता है, भग जाता है, हमारा जो कैमरामैन वो भी डरता है यार, क्योंकि हमारे भी परिवार है। वो खड़े हो रहे भैया, है ना? खड़े हो रहे ना? खड़े हो रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डोर ऑफ डेथ में। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि भाई कौन सी लोकेशन पे पहुंचा है। तो एक बार नीचे व्यू करके दिखाना दोस्तों। दोस्तों आप ये जो पानी देख रहे हो ये एक नहर का पानी है, और यहाँ कुछ ही दूरी पे खेत है दोस्तों, कुछ ही दूरी पे यहाँ पे इधर खेत है दोस्तों, जहाँ पे मतलब कृषि का काम होता है, खेती का। तो यहाँ की कहानी है दोस्तों, कुछ ही दूरी पे ढाणी है जहाँ से मतलब बच्चे आते थे खेत पे शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद। तो जैसे छुट्टी होने के बाद वो जो बच्चे आते थे यहाँ पे, तो वो मतलब यहाँ नहाने लग गया था। एक बच्चा उसमें से, एक बच्चा उसके साथ था, दो बच्चे थे वो। तो जैसे मतलब वो बच्चा पहले फर्स्ट वाला जो नहाने लगा, नहा रहा था इसमें तालाब में, इस नहर में, तो वो डूब गया था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। तो दूसरे बच्चे ने उसको बचाने की कोशिश करी, वैसे जैसे वो डूब रहा था वो बच्चे ने उसको दूसरे वाले को पकड़ा मतलब मदद के लिए, तो मतलब वो भी वहीं उस जगह पे डूब के उन दोनों की मौत हो गई। और दोस्तों उसके बाद से बताया जाता है, मैंने भी यहाँ की वीडियो बताई बनाई थी एक, जो राधे भैया का वो चल रहा था क्या नाम, जब वो बीमार चल रहे थे उसके बारे में गुरुदेव ने एक चीज़ बताई थी, मतलब यहाँ बैठ के ऐसे क्रियाएं करना, कुछ साधनाएं करना, तो मैं करके गया था जब बच्चे उसमें कैप्चर हुए थे उस वीडियो में। तो मैंने उस टाइम हम मेरा बोलना करना सब बंद था, मैंने वीडियो जब एडिट कर रहा था उस टाइम मुझे पता चला कि वो बच्चे पीछे रो रहे थे, कुत्ते भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो दोस्तों मतलब कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ था उस टाइम कि यार मतलब एक मतलब उनकी एक अकाल मृत्यु हुई थी, और दोस्तों बच्चे थे वो करीबन 15-12-16 साल के। तो जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जो भगवान ने उम्र दी उनको वो उम्र भी एक मतलब पूरी, जैसे जब तक वो मतलब उसमें अगर अकाल मृत्यु हो जाए उस उम्र में जो भगवान ने दी 50 साल, और उनकी डेथ हो गई 16 साल की, जो पीछे की जो उम्र बची हुई है वो एक भूतकाल में निकलती है दोस्तों। तो इसीलिए उनकी आत्मा भटक रही है। तो वापस वही चीज़ मैं क्लियर करने आया हूँ कि वो है क्या, एक बार आ गया जो भैया जो पानी देख रहे हो दोस्तों, एक बार झुक पानी दिखाना, एक बार झुक के थोड़ा कैमरा नीचे करो। ये जो पानी देख रहे हो दोस्तों इस पर पूरा, ये देखो आगे तक करो भैया कैमरा, ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो होता है वो कांजी वगैरह बोलते हैं, वो कांजी हो रखी है। पत्थर पटक के देखो एक बार लगा सा, ये दोस्तों मतलब कांजी है। देखो कांजी का कारण मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है ना ये पानी कोई यूजेबल नहीं है, कोई यूज नहीं करता इस पानी को, क्योंकि मतलब हर कोई डरते हैं, मतलब जहाँ तक ये किसी का काम होता है उनमें मतलब ट्यूबवेल बेरों से कुओं से पानी वो निकालते हैं खेत को सिंचाई करने के लिए। इस नहर से कोई पानी नहीं ले रहा उस बच्चे वाले, हालांकि वो बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे आज तक, हमने पता भी करा यहाँ कि उसके बारे में आराम से आना सेफ्टी से ना, हमने जहाँ तक पता करा मतलब कि, तो मतलब वो बच्चे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन क्लियर करना जरूरी भी है दोस्तों कि वाकई जो तड़पती है यार उनकी आत्मा, और वो वापस में इसलिए आएगी, वो आज हमें दिखाई देते हैं क्या। चारों तरफ पानी है पूरा, एक बार व्यू करके देखो भैया, बहुत लंबी चौड़ी मतलब बहुत बड़ी नहर है दोस्तों की, और गहराई का अंदाजा मुझे कुछ भी नहीं है, मैं एक बार आपको पत्थर डाल के अंदाजा आप लगा सकोगे, मेरे को पत्थर डाल के बता देता हूँ आपको, मतलब मेरे अंदाजे से ये 10-12-15 फीट गहरी होगी। ठीक है, बड़ी है, क्या चीज है ये? हड्डी है, आगे ही पड़ी है ना, ये हड्डी है दोस्तों। जब हमने बात करी आज के इस के बारे में, तो मतलब कुछ आज के एक दो दिन पहले यहाँ पे कुछ खुदाई हुई थी, जब हम पहले आके गए थे यहाँ पे जो राधे के लिए आए थे उस टाइम में, मतलब यहाँ खुदाई उदाई कुछ भी नहीं थी, जो अभी ये कंस्ट्रक्शन या जो काम चला जेसीबी वगैरह जो चली है, तो इसके बारे में जब हमने बात करी ना आज वहाँ जाके, हमने पूछा बच्चों के बारे में, जब बताया गया कि मतलब आज के एक दो दिन पहले हाल में है ना इनका कोई यहाँ पे जो ये मिट्टी विट्टी ले जाके भर्ती वर्ती जो करते हैं वो भर्ती करने के लिए ले जा रहे थे, ऑटोमेटिक जेसीबी खराब हो गई। और दोस्तों एक बार नहीं हुई थी, 3 बार जेसीबी खराब हो गई, उसके बाद में वो जेसीबी लेके यहाँ से निकल गया। ये ताजा घटना है लेटेस्ट, ये देख रहे हो आप, ये अभी ताजा खुदा हुआ है, कोई वो नहीं है इसमें। ये एक बार दिखा ना गाड़ी वाड़ी की, वो जेसीबी के दिखाओ, ये टायर वायर के आपको निशान दिख रहे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह जो आके गए थे यहाँ पे। तो मतलब ये मिट्टी जो देख पा रहे हो आप ये पूरी खुदी हुई है, जो है ना खुदी हुई छोड़ गए वो जेसीबी जब खराब हुई थी, ये मिट्टी लेके जाते वो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो जेसीबी बार बार खराब हो रही थी, वो परेशान होकर निकल गए यहाँ से। आगे आओ,
तो दोस्तों एक बार क्लियर यही करते हैं कि बच्चे हमें दिखाई देते हैं या नहीं। और जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था वो जो पिछली वाली उस टाइम, तो मुझे कन्फर्मली श्योरली वो बच्चे दिखाई दे रहे थे। भाई क्या आवाज आ रही है, कुछ आवाज सुनाई दे रही है भाई? बच्चे की रोने की आवाज आ रही है भाई। दिख रहे क्या बच्चे कहीं? नहीं भाई। दो तो साफ साफ सुनाई दे रही होगी आपको बच्चों की आवाज, लेकिन क्लियर ये नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। देखो मतलब यहाँ पिछली बार आके गए थे जब मेरा यहाँ मैंने जो साधना करी थी, ये सेटअप बना देख रहे हो आप, थोड़ा सेटअप दिखाना भैया आगे आके। ये जो सेटअप देख रहे हो इसी सेटअप पे मैं साधना करके गया था राधे भैया के लिए, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, मात्र एक महीने 15-20 दिन पुरानी बात होगी ये। आगे आओ एक बार जूम करना भाई, नजर आ रही है भाई उधर भाई, वो ये बच्चे है क्या? हाँ भाई बच्चे लग रहे हैं। हाँ भाई बच्चे ही है, बोल भाई बच्चे ही बच्चे है ना ये? हाँ बच्चे ही, बोल भाई। अरे यार ये रो रहे ना। समझ क्या हुआ? एकदम पानी में से बोली, क्या हुआ? पानी में से बोली, बोल भाई बच्चे रो रहे हैं ना सदा में? हाँ बोल भाई। भैया एक्टिविटी होने लग गया एकदम से, आज पूरा पानी हिल रहा तालाब का। देखो यार वो बच्चे रो रहे हैं आपको, दोस्तों आपको पूरा सुनाई दे रहा होगा, मतलब कि वो बच्चे बहुत ही बुरे तरीके से रो रहे हैं यार। एक बार हिम्मत करके आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई एक बार इनको जूम करके दिखाओ हल्का सा, भगना नहीं है आज, सब भाई बोलते भग जाते हो दोस्तों, भगना पड़ता है यार, ये चीज़ें कब कहाँ हानि पहुँचाते, लेकिन हमने बात करी जहाँ तक इनके बारे में बताया गया ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए एक बार कोशिश करेंगे आपके कहने पे कि यार इसके पास जाके हम बात करें इनसे, कोशिश करें बात करने की। हिल रहे यार वो भाई, वो नीचे बैठ रहे क्या भाई? वो नीचे बैठ रहे भाई, वो नीचे बैठ रहे यार। भाई नीचे बैठ रहे भाई, वो नीचे बैठ रहे वो है ना, वो नीचे बैठ रहे भाई। भाई रोने की आवाज क्लियर आ रही है यार भाई, नीचे बैठ गए भाई, वो नीचे बैठ गया ना भाई। आ गया उसे, हम एक बार चल के बात करने की कोशिश करते हैं, डरना मत आप बिल्कुल भी, है ना? ठीक है भाई। भाई ज्यादा जाने आगे से रिस्क नहीं हो जाए। देखो हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में क्या हुआ है हमें सारा पता है, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो भाई। रो रहे यार वो तो, भाई कैप्चर करना इनको अच्छे से। दोस्तों आपके बार बार यही कमेंट आते रहते हैं कि आप मतलब कैप्चर अच्छे से नहीं करते दोस्तों, कैमरा हिर जाता है, भग जाता है, हमारा जो कैमरामैन वो भी डरता है यार, क्योंकि हमारे भी परिवार है। वो खड़े हो रहे भैया, है ना? खड़े हो रहे ना, खड़े हो रहे वो, एक बार जूम करो, खड़े हो रहे भैया, जल्दी से जूम करो। हाँ भैया भाई, मोनू भाई, भाई भगना नहीं है अब की बार, जो कमेंट करते ना ये गंदे एक बार, है ना? चलने बात कर। देखो आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है हमें सारा पता है, हम आपसे भाई हाथ का इशारा दे रहे हैं वो कुछ, भाई वो हाथ का इशारा दे रहे हैं ना कुछ भाई, पास में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, चलते एक बार कोशिश करते हैं भाई। देखने वाले तो ऐसे बोलते रहेंगे भाई, नहीं इन भाइयों के लिए करना पड़ेगा यार सब कुछ, इन्हीं के लिए। देखो आपके साथ में जो भी कुछ हुआ हमें सारा पता है, रिक्स हो जाएगी, आप हमें कोई ऐसा इशारा दे दो कि हम आपके आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराए, आप हमें कोई ऐसा इशारा दे दो कि आप यहाँ पे भटको नहीं, आपके साथ में जो आपकी अकाल मृत्यु हुई है आप यहाँ भटक रहे हो, आप परेशान हो यहाँ पे, तो आप हमें कोई ऐसा इशारा दे दो जिससे हम, भाई इशारा दे रहे हो? हाँ भाई भाई इशारा दे रहे भाई, वो जाने का भाई क्या करे भाई।
देखो भाई ब्लर मार रहा है कैमरा जैसे जैसे ना। हाँ भाई ऊपर नीचे भाई वो बैठ गया, फिर एक बैठ गया एक खड़ा। ओ भाई इधर क्या हुआ? ओ भाई भाई चलो भाई भाई डरना नहीं है बिल्कुल भी भाई, डर लग रहा है भाई भाई डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप हमें कोई एक इशारा दे दो जिससे हम आपके आपकी भाई क्या करे भाई, भाई वापस पानी में वजह आ रही भाई। ओ भाई भाई भाई, भाई पानी पानी में कुछ हुआ, इशारा दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ भाई, भाई क्या करे दोस्तों यार कसम से बहुत दुख हो रहा है यार कि इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, इनकी क्या गलती रही। जो भी वांटेड व्लॉगर यहाँ आके गए थे ना यार दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि ऐसा कोई वांटेड व्लॉगर यहाँ का यहाँ पे रोके नहीं गया, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ। यहाँ पे जितेंद्र मारोटिया है, एस के भाई वांटेड जो अपने है, और जो दार जी व्लॉगर सब रोके गए इस जगह पे, जो डीएस स्टोरी वाले चाचा जी है वो भी आके गए थे इस जगह पे, वो भी मतलब रोके गए यार दोस्तों। इनकी जो ये दास्ता है ना, ये देख के मतलब रहा नहीं जाता। देखो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। ये मैं भाई उन चाचा जी को लेके आना पड़ेगा यहाँ। आप हमें एक बार और एक इशारा दे दो, हम चले जाएंगे और हम आपके मोक्ष के लिए लाके आप किसी ना किसी को लाके आपका मोक्ष प्राप्त करवाएंगे आपको। आप यहाँ परेशान नहीं रहोगे, आप भटकोगे नहीं यहाँ पे। गुरु जी बोले उधर क्या पढ़ाई पड़ी है, जूम करना, ये हड्डियाँ क्या पड़ी है? हाँ भाई भैया किस चीज की हड्डियाँ है? ये क्या चीज है भाई? भाई बहुत सारी हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी है दोस्तों, आप देख पा रहे हो पूरी हड्डियाँ पड़ी है, पूरा ढेर लगा हुआ है। देखो आप हमें एक इशारा दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से और बहुत जल्द आपके मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ करेंगे इंतजाम। हम आपको भटकते हुए नहीं देखना चाहते, आप सबसे बड़ी भाई बहुत दुख हो रहा है भाई, वो रो रहे भाई दोस्तों, आपके आंसू आ जाते यार जब ऐसी कोई स्टोरी देखते। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते मेन, तो भैया मेन चीज वो है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, बाकी नेगेटिव एनर्जी कब कहां कौन से टाइम पे नुकसान पहुंचाते भाई। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता भाई मैं उनको दोस्तों। 11 बज रहे, 10:49 हो रहे, एक बार टाइम दिखाना। हाँ भाई आ रहा बिल्कुल। देखो आपके मोक्ष के लिए हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, आप हमें एक इशारा दे दो हम यहाँ से निकल जाए और आप हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। भाई खड़े हो रहे वो है, भाई खड़े हो रहे क्या? आप हमें ऐसे इशारा दे दो हम निकल जाए यहाँ से। हाँ भाई खड़े हो रहे लग रहा भैया, खड़े हो रहे हो, खड़े हो रहे ना। हाँ भैया चलो यहाँ से, खड़े हो रहे हो भैया, भैया खड़े हो गए भाई, चलो यहाँ से भाई, चलो आ जाओ फटाफट, आ जाओ चलो भैया। वो रो रहे एक बार पीछे करना वापस भाई, वही क्या वो नहीं भाई ले भाई कैप्चर नहीं हो रहा, एक बार जूम करो, गायब हो गया ना मुझे नहीं रहे भाई बिल्कुल भी। हेलो चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो टाइम भी नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मतलब उनकी जो रोने की आवाजें देख के मेरी मेरे से रहा नहीं गया यार दोस्तों। मैं बहुत जल्द जो डीएस हिस्ट्री के जो तांत्रिक बाबा है, बाबा साहेब जो मतलब साधना वगैरह ये जानते हैं, मैं उनको लेके आऊँगा बहुत जल्दी, और जितेंद्र मारोटिया को लेके आऊँगा इस जगह पे, इस लोकेशन पे, और मैं बहुत जल्द इन बच्चों की लिए जो इनके आत्माएं तड़प रही है दोस्तों, इनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके भाई की कि मैं इनको मोक्ष प्राप्त कराऊँ, और बहुत जल्द मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँगा यार, क्योंकि हम यहाँ पे ना राधे जी के लिए जब कुछ साधना करके गए थे, ये बच्चे पूरी वीडियो में कैप्चर हो रहे थे, पूरी वीडियो में रो रहे थे, मैंने बाद में देखा था, लेकिन इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि भाग के आना हमारा जरूरी भी था, क्योंकि इन चीजों में विश्वास नहीं कर सकते कब कौन से टाइम में कब हावी हो जाए अपने पे और अपने को नुकसान पहुंचा दे। अजू भैया इधर से रास्ता ये वाला,
तो जान से आना सेफ्टी से ना। आराम से आना। और दोस्तों आप कमेंट करते हो कि आप कैमरा वहां नहीं रखते हो, उस जगह नहीं रखते हो, तो मैं आपको बता दूं यार कि उस जगह पे कैमरा हर कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि कैमरामैन को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है, क्योंकि जान हमारी भी यार हमारे भी, क्योंकि ये चीज कब कहां कौन सी जगह नुकसान पहुंचा दे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय श्री राम सभी भाइयों को।